नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अबकारी अधिकारी और पुलिस विभाग को जानकारी होने के बाद भी कार्यवाही तक का नाम नहीं। शहर में देसी शराब सरकारी रेट पर ना बेचकर ओवर रेट बेचा जा रहा है। ये कार्य शराब दुकान मालिक, अबकारी विभाग के अधिकारी और पुलिस से मिलीभगत से हो रहा है, जिसकी वजह से आए दिन सेल्समैन और ग्राहक के बीच दुकान पर झगड़े होते नजर भी आ रहे हैं। गौरतलब है कि अंग्रेजी हो या फिर देसी शराब की दुकान, सभी दुकानों में प्रिंट रेट से 10 से 20 रुपए अधिक दर पर शराब बेची जा रही है। साथ ही शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट भी नहीं लगी है। वहीं शराब की मिल रही शिकायत के बावजूद भी स्थानीय पुलिस प्रशासन व आबकारी विभाग कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। देसी शराब की दुकान से एक पौवा लिया तो सेल्समैन द्वारा प्रिंट रेट से अधिक 5 रुपए लिए जाने को लेकर विरोध करने पर वह झगड़ा करने लगते हैं और मारपीट भी करने लगते हैं। इसके अलावा बस स्टैंड एरिया के शहर में संचालित अंग्रेजी और देसी शराब दुकानों पर जमकर ओवर रेट में शराब बेची गई है। ये सब आबकारी विभाग के अधिकारी की जानकारी में हो रहा है। इस कारण से वे शराब दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और ये वीडियो तालबेहट क्षेत्र की जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। खुद सेल्समैन बोल रहा है कि ये 55 रुपया का है, जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना है कि प्रशासन ये देसी ठेके पर क्या कार्रवाई करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।